So today we are going to start the Hemkund trek. Namrata, Gopal and Ryan is not here with me today. They are tired, so they are taking a break. अभी हम लोग का है 1000 meter का चढ़ाई, जो हमने स्टार्ट किया है 7:30 बजे. And here is our guide. And Lakshman waterfall. और दिखा दिया. तो 1000 meter का चढ़ाई चढ़ने में हमने स्टार्ट किया है 7:30 बजे सुबह. एंड अप्रोक्सीमेटली 12 बजे तक, तो अगर सब कुछ खैरियत रहे तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे. आज लंच नहीं कैरी कर रहे, आज लंगर खाएंगे हेमकुंद में. तो बैग थोड़ा हल्का ही है. द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेल इज नॉट ओनली द फ्लावर्स बट द वाटरफॉल्स, द एंटायर माउंटेनस्केप एंड द रिवर. सो देयर आर टू मेनी वाटरफॉल्स यू विल गेट टू सी. So this is one of them towards Hemkund. You can see the beauty of the mountains. वैसे वो ये सेम है जो कल वैली ऑफ फ्लावर्स से दिख रहा था. हेमकुंड साहिब का पूरा ट्रेल ऐसे ही रहेगा. कल वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेल जो था थोड़ा अनड्यूलेटेड था, मतलब अप एंड डाउन और रॉक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर अच्छे से इन लोगों ने रास्ता बना दिया है. सो डाउन देयर हम लोगों ने अपना ट्रेल स्टार्ट किया है. So approximately we are now 1 kilometer up. अभी भी 4 kilometer ऊपर चढ़ना है. तो लगभग 45 minutes में हम लोग 1 kilometer कवर किए हैं. हेमकुंड साहिब जाने वाले जो लोग एजेड है, सीनियर सिटीजन, या जिनको पैरों में दर्द होगा, कमर दर्द है, सो दे कैन हायर अ म्यूल. It will take approximately 1500 for one side, but you can negotiate it. They can ask you 2000 per person. तो आप लोग देख रहे हो, mule can be arranged for senior citizen and people who cannot take the trail. अभी 2 kilometer पहुंच गए. अभी यहाँ से और 3 kilometer चढ़ाई है. सो नॉन स्टॉप चढ़ाई. हेमकुंड के चढ़ाई में आपको ये छोटा छोटा टी स्टॉल्स थोड़े मिल जाएंगे ब्रेक लेने के लिए. ये आपको लगभग हर 1 kilometer बाद मिल जाएंगे. पूरा अभी क्लाउड से ढक गया, थोड़ी देर पहले धूप था. अभी ऐसे ऑल्टीट्यूड में 4000 meter पे ऐसा ही होता है. अभी 3 kilometer पहुँचे हैं. तो पहाड़ों का वेदर कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है. साथ में हमारे दो गाइड भी है. चढ़ाई के समय आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा. कुछ जगह पे आपको रास्ता थोड़ा ऐसा मिलेगा. सो दीज आर सम अंडर कंस्ट्रक्शन पाथ. हेमकुंड के चढ़ाई में आपको ये फूलों का नज़ारा मिल जाएंगे पूरे ट्रैक पे.
ये वैली ऑफ फ्लावर्स के ही तरह है या उससे ज़्यादा या कम भी नहीं है। पूरे रास्ते में ही आपको फ्लावर्स दिख जाएंगे तरह तरह के। राइट फ्रॉम हियर यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, इधर यू कैन टेक दिस स्टेयर्स और यू कैन टेक दिस रूट। ये आपका कम से कम 1200-1500 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा जो कि आपको आधे घंटे का रास्ता कम कर देंगे, और एक ये रास्ता जो आपको आधे घंटे का रास्ता बढ़ा देंगे। चॉइस इज योर्स। से और 1.5 किलोमीटर के आसपास है चढ़ाई, तो लगभग 12:30 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। बस लास्ट फ्यू स्टेप्स। अभी यहाँ पर क्लाउड से ढक गया एक्चुअली, तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से यहाँ तक गेट तक पहुँचने के लिए 20 मिनट। फाइनली वी हैव मेड टू हेमकुंद। अलॉन्ग विथ मी इज द विशेज ऑफ नम्रता एंड रायन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गोपाल। आई एम मिसिंग देम। सो पीछे यहीं पर है गुरुद्वारा। चलो देखते हैं। यही पीछे ही मेरा है गुरुद्वारा, सामने है लेक, दिखाता हूँ अभी इज द लेक। और ये रहा गुरुद्वारा। चले तो उतरते वक्त आप लोगों को थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा क्योंकि बारिश होने के वजह से यहाँ पर रास्ते थोड़े गीले हो गए एंड यू मे स्किड इफ़ यू आर नॉट कॉशियस अबाउट द रूट। तो एक छोटा सा ग्लेशियर रास्ते में मिल गया, दिखाते हैं। अच्छा वो बंद हो जाएगा। ओनली द मानसून टाइम। हेमकुंड ट्रैक खत्म होने को आया है, बस अभी 200-300 मीटर बाकी है। मैं ब्लॉग सिंपल लाइफ ऑफ नम्रता, सिंपल लाइफ विद नम्रता के तरफ से यहीं पर ख़त्म करता हूँ आज का। फिर कल हम निकलेंगे वापस गोविंद घाट की तरफ। चलो बाय, सी यू लेटर।